तो कैसे हैं आप लोग? वक्त आ चुका है तुम्हारे कुछ सवालों के जवाब देने का। और क्या सवाल पूछते हो यार तुम तू लोग? जिंदा कैसे रहता है? सांस ली की क्या कर रहा है? वीडियो बना रहा हूं। आर यू फीलिंग रिच रिच नाउ? ये कैसा सवाल हुआ? नहीं, सुबह उठे और फिर अरे आज तो काफी अमीर फील कर रहा हूँ यार। वो कैफे कॉफी कैसे की कॉफी पीने चले। और देख भाई, फोटो डालेगा इंस्टा पे? नहीं, अपने अकाउंट से डालेगा और फिर मुझे टैग करेगा पक्का ना। चल फिर तो। जब तुमने न्यू न्यू स्टार्ट किया था और रास्ते पर फैंस मिले तो कैसा रिएक्शन था? एक्सप्लेन प्लीज। ओके, तो मेरे ख्याल से ये सबके साथ ही होता होगा कि दो तीन बारी शुरुआत की बहुत ऑकवर्ड होती है, क्योंकि एक अनजान व्यक्ति जिससे तुम आज तक मिले नहीं, देखा नहीं, कुछ पता ही नहीं है उसके बारे में, तुमसे आके हाथ मिला रहा है और तुम्हारे साथ फोटो खिंचवा रहा है, तो थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। लेकिन अब चिल सीन है यार, अब तो काफी कॉन्फिडेंस आ गया। तू लेफ्टी है या राइटी? ओके, तो मुझे समझने की कोशिश करो। मैं लेफ्ट हैंड से रोटी खाता हूँ और राइट हैंड से बैटिंग करता हूँ, तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है मैं लेफ्टी हूँ या राइटी। मैं हूँ क्या? तुम लोग बताओ यार। हाउ डू यू डील विद योर एंजाइटी इश्यूज? व्हाट डू यू डू टू काम योरसेल्फ डाउन व्हेन यू आर स्ट्रेस्ड आउट? तो जिन लोगों को नहीं पता, मुझे थोड़े से एंजाइटी इश्यूज हैं। मेरे साथ क्या होता ना, मैं पूरी सांस नहीं ले पाता हूँ, आधी अधूरी सी सांस आती रहेगी। मियां खलीफा सनी लियोनी की चाहत तो छोड़ो, बस एक ही चाहत होती है, एक सांस आ जाए प्रॉपरली, वन प्रॉपर ब्रेथ, बस यही चाहिए जिंदगी में। मैं पर्सनली अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करता हूँ, जैसे मैं वीडियो गेम्स खेलता रहूंगा या कुछ तो भी करता रहूंगा, बस अपने आप को बिजी रखूंगा, उस तरफ ध्यान नहीं जाना चाहिए। लेकिन सबका अपना अपना होता है यार, बस काम या पढ़ाई मत कर लेना, फट जाएगी। कभी दूसरों के घर घंटी बजा के भागा है? घंटी बजा के कौन नहीं भागा यार। एक बार तो मैं और मेरा दोस्त घंटी बजा के भाग रहे थे, एक मोटी सी आंटी ने देख लिया। फिर क्या होना था, मेरे दोस्त के घर की छत पर घुसकर हमें चप्पलों से सम्मानित किया और उसके घर वाले ऐसे देख रहे हैं, अरे क्या कर रहे हो यार, मदद करो। लेकिन नहीं, मतलब अपना बच्चा पिट रहा है तो पिटने दो, बाहर का बच्चा पिट रहा है उसे भी पिटने दो। भैया आप पतले कैसे हुए? तो जिन लोगों को नहीं पता, मैं काफी हेल्दी हुआ करता था। ये रही एक फोटो। लेकिन फिर मैंने ग्रीन टी और सेब खाना शुरू कर दिया, उससे मेरे थाइज, आर्म्स, शोल्डर्स सब पतले हो गए। फाइनली मैं यहाँ पर अपनी हड्डियां देख पा रहा था। फिर दो तीन महीने जिम किया और डाइट भी काफी कंट्रोल की मैंने, और बस हो गए पतले। लेकिन अब तो साला जो खाने को आए वो पेल देंगे। How many threats did you got in your whole YouTube career? मेरे ख्याल से मुझे रोज ही डेथ थ्रेट्स आते होंगे, लेकिन मैं इतना ध्यान नहीं देता यार, क्योंकि जब से अभी गुजर और नाजिम खान ने मुझे धमकी दी थी ना, तब से मैं इन सबको मजाक की तरह लेता हूँ। क्या बंदे हैं यार वो लोग, सॉरी हर बंदी के बंदे हैं। हर बंदी के हैं बंदे। भाई आजकल तू वीडियोस बहुत कम डालता है। मुझे पता है यार वीडियोस डिले हो रही है, लेकिन ये बात बिल्कुल मत समझना कि मैं आलसी हो रहा हूँ। एक्चुअली कुछ वक्त से और भी काम चल रहे थे मेरे, जैसे कि मेरी एक गेमिंग सीरीज आई है मेरे सेकंड चैनल पे, प्लस और भी छोटे मोटे काम थे जिसकी वजह से वीडियोस डिले हो रही थी। लेकिन अब हफ्ते के हफ्ते वीडियोस आएंगी या फिर उससे पहले ही आ जाएंगी, इस बात की गारंटी दे रहा हूँ मैं। Have you ever been offered by TEDx for motivational speech? / have you ever thought of making a video on how to choose a career? देखो यार मैं शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ऑलमोस्ट रोज एक TEDx का मेल आता है और मेरे ख्याल से सारे क्रिएटर्स को ही आता होगा, लेकिन मैं अभी नहीं जाना चाह रहा हूँ, क्योंकि अभी यार मैं चीजें एक्सपीरियंस कर रहा हूँ और मैं स्टेज पे जाके ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहता जो मैंने पर्सनली खुद एक्सपीरियंस ना किया हो, लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी यार। चश्मे का नंबर कितना है? -2.5, -3.5। सरल भाषा में बोले तो भैया इस वक्त हम अंधे हो चुके हैं। डू योर फ्रेंड्स ट्रीट यू लाइक अ सेलिब्रिटी? काश ऐसा होता, मैं सही बता रहा हूँ, मजे आ जाते, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी आए थे कुछ दिन पहले, उनमें से एक ने ये कुर्सी का हैंडल तोड़ दिया ये वाला, और फिर खड़ा खड़ा हंस रहा है। हा 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 हा। You said you were growing your hair for a specific reason. What is it? You all are very curious. तो मैं अपने बाल लंबे क्यों कर रहा हूँ? मैं इसका तुम्हें एग्जैक्ट रीजन तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुम्हें इतना बता सकता हूँ ये कंटेंट से रिलेटेड है, ये मेरा पर्सनल शौक नहीं है। Who is your partner in crime? When will you start your merchandise? Merchandise actually in process है, तो थोड़ा सा टाइम लेगी, लेकिन फाड़ देगी। वो ऐसी नहीं होगी जो सिर्फ तुम मुझे सपोर्ट करने के लिए पहनोगे, वो एक ऐसी चीज होगी जिसे तुम खुद अपनी खुद की पसंद से पहन के बाहर जाओगे, because you will look hot and sexy in it. ऐसा कोई मूवमेंट जब तेरी सबसे ज्यादा फटी हो, अब आगे क्या होगा? ऐसा बहुत बार हुआ, लेकिन एक बारी तो हद ही हो गई थी। मैं अपनी राम रहीम वाली स्किट की शूटिंग कर रहा था, हमें कुछ 10-12 घंटे तो सेटअप करने में लग गए, और फिर जब फाइनली हम शूट करने बैठे तो माइक को कैमरा से कनेक्ट करने वाली वायर ही खराब है। मेरा फुल दिमाग खराब, मैं पता नहीं रात के 3 बजे किस किस को कॉल कर दिया होगा, कहां कहां भटकाया होगा, लेकिन एंड में पता चला मेरे भाई के पास ही पड़ी थी वो केबल, तो
जस्ट बच गए। माय क्वेश्चन इज वेयर इज योर गोल्ड प्ले बटन ब्रो, प्लीज दिखाना एक बार। एक सेकंड। काफी रोने धोने के बाद सोना आ चुका है, अब निगाहें हीरे की तरफ हैं। ब्रो डू यू इंटेंड टू यूज अदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इन फ्यूचर? हाँ मेरा बिल्कुल प्लान है। पहले मैं ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इनको कंटेंट वाइज देखता ही नहीं था, लेकिन अब मुझे लगता है इन पे काफी स्कोप है। तो फॉलो मी ऑन ट्विटर एंड फेसबुक एंड इंस्टाग्राम ताकि तुम और कंटेंट देख सको। कितना बेशरम है अजय भाई। डू यू बिलीव इन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज? नहीं यार मैं नहीं मानता, लेकिन कभी कभी लगता है जैसे कोई तो है, कोई तो है जिसके रात भर कदम बंद नहीं होते। फिर सुबह सुबह पता चलता है पड़ोसी रात भर दारू पी के छत पे नाच रहे थे और एक ने तो अपने सर पे बोतल फोड़ ली। Why stopped using the character Tao? He was my fave and the way you used to change your voice for Tao was awesome. देखो बेके ऐसा है, मैं बोर हो गया था, मैं सही में बोर हो गया था, लेकिन मुझे बहुत लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ताओ मुंडा ये सब वो सब सबको वापस लाओ, तो मैं बहुत जल्द उनको वापस लाऊंगा। Which do you think is the best meme of 2017?